हेलो एवरीवन, मैं हूं अमरा। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बैंगलोर। दोस्तों, आज हम मुंडरेड्डी पार्ले में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुरक्षा ह्यूमैनिटी ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब इमरान शाह साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल देखा जा सकता है कि बहुत जगह पर ड्रग्स बहुत आम हो चुकी हैं, हर जगह हर तरफ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ड्रग्स जो है पहले से भी आम है, मगर आज क्वांटिटी लेवल और लोगों तक जो है पहुंचने की उसकी जो तेज़ी है वो आज ज़्यादा हो चुकी है। अब ये तेज़ी किस तरह से हुई, यहाँ पे किसका दोष है, यहाँ क्या है? देखिए, ज़माने से जो है पुलिस भी अपना काम कर रही है, फिर भी ये चीज़ कभी रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक का साथ पुलिस के साथ नहीं है। अगर हम आज पुलिस के साथ कांधे से कांधा लगा लेकर काम करेंगे तो शायद ये जो ड्रग्स है, ये ड्रग्स के ऊपर हम कंट्रोल ले सकें। आपकी सुरक्षा ह्यूमैनिटी ट्रस्ट की तरफ से आप किस तरह से हेल्प करने का सोचा है सर, क्या प्लान है आपका? देखिए, हम यही तो चाह रहे हैं कि ये जो दूरी है पुलिस और पब्लिक की, इसको एक अवेयरनेस पे लाया जाए। आप हमारे जो बच्चे माशरे में इजी अवेलेबल इन लोगों को कैसे मिल रहा है, ये लोग कैसे इतना तेज़ी से ये चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम लोगों को आज चाहिए कि हम लोग साथ मिलें, काम करें। और हमारा मोटिव भी यही है कि ये जो दूरी है पुलिस और पब्लिक की, ये दूरी को जो है हम क्लोज करें। सर, ये कितने सालों से आप लगातार करते आ रहे हैं सर? पिछले हम एक साल से जो है ये चीज़ के पीछे जुड़े हैं। पिछले हम एक साल से ये चीज़ के पीछे जुड़े हैं और तकरीबन जो है मैं ये 8 साल के वक्फे से या 9 साल के वक्फे से इस चीज़ के पीछे काम करने के लिए बहुत डेस्परेट था। क्यों डेस्परेट था? क्योंकि ये चीज़ से बच्चों को निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आने वाले कल में ये जो तेज़ी आ रही है, मैं 8 साल पहले देखा था कि ये तेज़ी आने वाली है। तो जब हम लोग जो है काम करने की कोशिश करें, कुछ मसरूफियात की वजह से, कुछ रुकावटों की वजह से जो है मैं ये फील्ड पे आ नहीं सका। तो जब हम लोगों ने ये ट्रस्ट खोला, सुरक्षा ह्यूमैनिटी ट्रस्ट, तो हम लोग जो है एक मोटिव बनाए कि हम हमारे कर्नाटका स्टेट को जो है ये ड्रग्स से निजात देंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि घर में जो पेरेंट्स हैं पहले बच्चों को समझाना चाहिए कि फ़ोन के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जी, मैं तो यही आपके पहले सवाल की तरह यही सवाल है, मोबाइल्स या ज़िंदगी, जो भी कुछ है, पहले एक तरीके से बोला जाए तो बच्चे का पहला स्कूल माँ बाप है, उनकी गोद में रहता है, उसके बाद वो स्कूल को जाता है। हाँ, उसके बाद टीचर्स की जिम्मेदारी है, मगर टीचर्स स्कूल में जो है वो रह रहा है, वहाँ पे पढ़ेगा बच्चा, उसके बाद में उसके ऊपर देखभाल भी कर रहे हैं वो लोग, मगर वहाँ पे किसके साथ कनेक्टिविटी है, बाहर आके किसके साथ मिल रहा है वो, और किसके क्या टाइम वो गुजार रहा है, किसके साथ गुजार रहा है, ये हम लोगों को देखने की बहुत ज़रूरत है आज। अगर हम यहाँ पे अगर थोड़ी भी चूक करेंगे कि ये बच्चा किसके साथ मिल रहा है, अगर वो सही है गलत है, अगर हम वो चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, और आज बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, आप में जो अच्छाई है, हमने आपको जो अच्छाई दी है सोसाइटी के लिए, वो सोसाइटी के लिए काम करिए। आप बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम सोसाइटी के लिए नहीं कर सकते, आप बच्चे हैं तो भी कर सकते हैं, बड़े हैं तो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं?
आप कोई बुरे बच्चे को अच्छे बच्चे करने के लिए तब्दील करिए, कोई बुरे बच्चे से जो है उसको अपनी जो एक्टिविटीज है वो अपने में मत लाइए, खराबी अपने में मत लाइए, अपनी अच्छाई उन तक फैलाइए। जिसकी जो इस्तेदात है, देखिए ऊपर वाले ने हर किसी को एक लेवल से पैदा तो किया है, मगर यहाँ पे जब दुनिया में आया तो कोई जो है अमीर है, कोई जो है गरीब है। मगर गरीब और अमीर का मतलब ये नहीं है कि आप जो है गरीब को इग्नोर करें, गरीब को कोई सहूलत ना मिले। ये अमीरों का काम है कि भाई आप देखें गरीबों को क्या ज़रूरत है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो ऊपर वाला आपको पकड़ेगा ज़रूर। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने जो सवाल किया कि यहाँ पे जो है बच्चों को रिहैब को डालने के लिए भी पैसे नहीं रहते, रिहैब भी हमारे पास कम है, तो ये चीज़ के लिए हमारे जो इस्तेदाहत के लोग हैं वो अगर आगे आए तो कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो आना है आगे। सर अभी आपने बोला कि ड्रग्स को लेके अभी आपने बात की कि कितना डिस्परेट हैं आप इसके बारे में सुधार करने के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो सर क्या आपके तरफ से भी कुछ रिहाब का इंतजाम है या कुछ ऐसा आपने सोच रखा है? नहीं, पहले तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं रिहाब करूँगा या कुछ ऐसा बोल के, क्योंकि ऑलरेडी जो है रिहैब्स थे हम लोग जा रहे हैं, मगर आज जो है उसकी कमी महसूस हो रही है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अगर ऐसी कोई जगह मिल जाए हम लोगों को तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सामने आएंगे। जो पेरेंट्स अभी काम के लिए जाते हैं, जो बच्चे घर पे रहते हैं अकेले, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, सिर्फ ये बोल देना कि मेरी मसरूफियात की तरफ से जो है बच्चे को ऐसा माहौल मिल गया, ये हो गया वो हो गया, यहाँ पे हम जो है पूरे नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, जब हमने एक बच्चा प्लान किया है तो उसका फ्यूचर भी हम लोगों को प्लान करना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि मैं मसरूफ़ हो गया, मेरा बच्चा जो है घर में क्या देखा, बाहर क्या देखा, बाहर क्या कर रहा है मेरे को नहीं मालूम है, जब मैं काम से बाहर वापस आया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब लास्ट टाइम पे आप सोचेंगे बच्चे के बारे में कि बच्चा जो है ऐसा वायलेंट हो गया, आज जो है हम लोगों को पलट के गाली दे रहा है, आज मारने के लिए आ रहा है, बोले तो यहाँ पे जो है गलतियाँ हमारी ही हैं, हमने क्योंकि लापरवाही बरती है। देखिए, मैं ऐसे ऐसे केसेस देख रहा हूँ। ये केस मैंने देखा कि एक बच्चा माँ को पूछता है, पैसे पूछता है, और जब उसको वो पैसे नहीं मिलते हैं तो वो बोलता है कि मैं थिनर डाल के जला लूँगा, और वो थिनर अपने ऊपर डालता है और माँ को बोलता है अगर पैसे नहीं देगी तो ते को भी जला दूँगा, और लपेट के उसको भी जो है जला लेता है। तो हम कौन से स्टेज पे खड़े हैं? सर यहाँ पे आप लड़कों की बात कर रहे हैं तो लड़कियाँ भी, अभी परसों आप भी देखे रहेंगे वायरल वीडियो, जो बुरखा पहन के सिगरेट पी रही थी तो एकदम बहुत हलचल मची थी, तो ऐसे लड़कियों भी इसमें एडिक्ट हो गए, तो इसलिए क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सिगरेट तो छोड़िए, अब रहा सवाल ड्रग्स का, आप जो है ड्रग्स में बच्चियां भी जो है बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि बच्चा बच्चियां नहीं हैं, बच्चियां भी ज़्यादा हैं। हमारे पास ऐसे कोई इदारे नहीं हैं, अब बच्ची के लिए हम किसके ऊपर भरोसा करके कहाँ पे डालें? जब वो ड्रग्स में रहेगी तो उसकी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है, और वो किसके साथ जा रही है और किससे बात कर रही है उसको कुछ पता ही नहीं है, वो उसके साथ क्या अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है उसको कुछ ख्याल नहीं है। तो ऐसी बच्चों के लिए जो है, अगर हमारे जो भी मदरसों के तरफ से ऐसा कुछ भी इनको मदद नहीं मिलेगी तो आने वाले कल में बहुत मुश्किल है। फाइनल एक सवाल, अभी इसलिए मैसेज क्या देना चाहेंगे, और समझो कि बच्चों को रिहाब में डालना, तो कौन सा रिहाब अगर आपके कनेक्शन में रहा तो उसका नंबर
देखिए, एक तो मदरसा सुफा है जो अरबी कॉलेज में है, और एक ताहा है जो मदरसे जो है उनके कल्ब के ऊपर काम कर रहे हैं, बच्चे को जो है सिखा रहे हैं कि माँ बाप वो 24 आवर सर्वेलेंस में रखे हैं, और ये सिखा रहे हैं कि माँ बाप की इज्जत कैसी करनी चाहिए, सोसाइटी की इज्जत कैसी करनी चाहिए, आस पड़ोस की इज्जत कैसी करनी चाहिए, सोसाइटी के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहे, माँ बाप के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहे, भाई बहन के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहे, और अड़ोस पड़ोस के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहे। तो ऐसे रिहैब्स मैं चाहूँगा कि जो है हर जगह ऐसे रिहैब्स बने, अपने अपने कल्चर को, अपने अपने रिलीजियस को, अपने अपने बच्चों को अगर पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत कामयाब रहेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ रिलीजियस के तौर पे, देखिए कोई किताब में जो है खराबी नहीं है, कोई जो है आपको बाइबल में, कुरान में या गीता में कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि आप जो है ख़राब करें, आप माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव ना करें, आप जो है सोसाइटी के साथ अच्छा बर्ताव ना करें। हर किताब में ये कहा जाता है कि आप जो है सोसाइटी के साथ कैसे रहना है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है, पड़ोस के साथ कैसे रहना है, अच्छा ही सिखाई जाती है। तो हम लोगों को ये आज ज़रूरत है रिलीजियस के तौर पर कि अपने अपने बच्चों को जो है उसका रिलीजियस सही तौर से समझाया जाए। दोस्तों, अभी हमने बात की सुरक्षा ह्यूमैनिटी ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब इमरान शाह साहब। मैं उमा अमर, आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ बैंगलोर।